अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, दुनिया न्यूज़ पर आप देख रहे हैं प्रोग्राम नुक्ता नजर। मैं हूं आपका मेजबान मोहम्मद अशमल जामी। कराची स्टूडियो से हमें ज्वाइन कर रहे हैं मुजीब रहमान शामी साहब। आज के प्रोग्राम में हम बात करेंगे, चार रोज से जो रेड जोन पर इस्लामाबाद में धरना है वो अपने खत्म की जानब गामजन है। अहम खबर यह है कि मुजाकरात हुकूमत के और धरना कायदीन के दरमियान कामयाब हो चुके हैं, सात निकात पर एग्रीमेंट हुआ है और कुछ ही देर बाद विफाकी वज़ीर दाखला चौधरी निसार भी एक आम प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे जिसमें उम्मीद है कि वो इसी बारे में बात करेंगे। कुलभूषण यादव की जो गिरफ्तारी थी उस पर भारतीय हुकूमत से जो मौकफ सामने आया आज, उस पर भी हम तफसील से बात करेंगे। और पाकिस्तानी क्रिकेट की जो सूरत हाल है जिसमें हेड कोच और कप्तान ने माफी मांगी और उसके बाद जो आज बकायू ने जिस तरह से फटे हैं पीसीबी के ऊपर, उस सूरत हाल पर भी नुक्ते नजर आज आप जान सकेंगे। लेकिन शामी साहब, सबसे पहले सबसे अहम खबर और सबसे अहम डेवलपिंग स्टोरी वो जारी बात है, रेड जोन में जो धरने के शुरू हैं पिछले चार रोज से वो बैठे हुए थे और आज मुजाकरती अमल मजीद आगे बढ़ा और ख्वाजा साहब रफीक और साज डार साहब और उवैस नूरानी साहब ने उसमें खासा अहम किरदार अदा किया और मुलाकात हुई। उसके बाद अब खबर ये आ रही है कि धरना अख्ताम की जाने बढ़ रहा है, सात निकात पर एग्रीमेंट हो चुका है। हाँ, ये एक बड़ी अच्छी खबर है क्योंकि जो धरना देने वाले थे अगरचे उनकी तादाद कम हो रही थी लेकिन इसके बावजूद उनमें जोश व खरोश मौजूद था और जबरदस्ती अगर उनको यहां से उठाया जाता तो कोई मिसहैप हो सकता था, किसी की जान जा सकती थी, किसी को चोट लग सकती थी। तो बहुत अच्छा किया हुकूमत ने कि एक तरफ दबाव बढ़ाया और बार बार फोर्सेस को भी मुश्तमे किया जाता रहा और अल्टीमेटम दिया जाता रहा, फिर उसकी मियाद में तोसी होती रही और उसके साथ साथ मुज़ाकरात भी जारी रहे और ख्वाजा साद रफीक साहब की रहाइश का पर मुज़ाकरात हुए हैं और हुकूमत के तीन वजीर तो इसमें शरीक हुए। पीर अमीनुल हसनात जो है वो भी जो पीर करम शाह साहब के फर्जंद है वो वजीर भी हैं और बड़े उनका एहतराम भी है, जो अहले सुन्नत के यहां उनका एक बुलंद मुकाम है, एक बड़े बाप के बेटे हैं पीर करम शाह साहब के और उनकी बात बड़ी तवज्जो से सुनी जाती है। फिर मौलाना शाह अहमद नूरानी साहब के जो फर्जंद हैं अवैस नूरानी साहब और फिर एक अवैस नूरानी जो है फिर यहां के एक कॉन्ट्रेक्टर है वो भी उसमें शरीक थे कराची के, रफीक परदेसी जो उन, हाँ जी रफीक परदेसी साहब, यानी उन्होंने तो ये भी कहा है कि जो मेट्रो को नुकसान पहुंचा मेट्रो ट्रैक को, उन्होंने कहा जी आप जाने दीजिए, इनको रिहा कीजिए, जो मेट्रो ट्रैक को नुकसान पहुंचा उसका खर्चा मैं दे दूंगा। हाँ, चलिए अच्छी बात है अगर उसकी वो मरम्मत कराएं। और इसके साथ सरवत कादरी साहब भी थे और एक हमारे आसिफ जलाली साहब, जो भी जो धरना देने वालों के कायदीन है। बड़ा अच्छा मामला हुआ के खुश असलूबी से बातचीत के जरिए नतीजा निकल आया और जो नुकात जिन पर इत्तफाक हुआ है वो भी खासे मानी खेज हैं। यानी एक तरफ तो उनमें ये बात कही गई है कि जो तौहीन रसालत का कानून है उसमें किसी किस्म की कोई तब्दीली नहीं की जाएगी, वो हुकूमत का कोई इरादा भी ऐसा नहीं था उसमें तब्दीली का। बात तो बहुत कही जाती है हमेशा और बगैर मुल्की अनासर जो हैं और हल्के जो हैं उनकी तरफ से दबाव भी होता है और यह है कि इसके अंदर कुछ प्रोसीजरल तरमीम करनी चाहिए और यह तरमीम होनी चाहिए कि अगर कोई झूठी एफआईआर कटवाएगा तो फिर उसके खिलाफ भी तौहीन रसालत के कानून के तहत कार्रवाई होगी क्योंकि वो भी तौहीन रसालत का मुर्तकिब करार पाएगा। कई तजावीज पेश की जाती रही हैं लेकिन अमलन इसमें कोई तरमीम हो नहीं सकी क्योंकि एक बड़ा नाजुक मामला है और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत जो है हर मुसलमान का जुज्व ईमान है तो इस हवाले से उसके जज्बात बड़ी जल्दी भड़क जाते हैं। तो इस कानून में कोई तरमीम हो नहीं सकी और हुकूमत ने यह बात भी कही है कि इसका कोई इरादा भी नहीं है। तो उसके साथ ये कहा गया कि पुरअमन एहतजाज करने वालों को रहा कर दिया जाएगा, यानी जो रिहाई का मुतालबा हो रहा था जो लोग गिरफ्तार किए गए हैं उनको रहा कर दिया जाए तो हुकूमत ने उनको तमाम को बिला शर्त रिहा करने का ऐलान नहीं किया बल्कि कहा है जो लोग पुरअमन एहतजाज कर रहे थे यानी जिनकी आइडेंटिफिकेशन हो जाएगी, जिनकी वीडियो बन गई है, जिनके चेहरे नजर आएंगे कि वो तोड़फोड़ में मसरूफ हैं, अमलाक को नजर आतिश कर रहे हैं, उनके खिलाफ कार्रवाई की जा सकेगी। यानी वो पुरअमन एहतजाज करने वाले जो हैं उनको रहा किया जाएगा। और फिर ये कहा कि जो तौहीन रसालत के मुकदमात में जिन लोगों को सजा मिलती है उनके साथ कोई रियायत नहीं बरती जाएगी और इसका कोई सवाल पैदा नहीं होता। देखिए जब मुमताज कादरी साहब जो हैं
जिनके बारे में एक ये बात कही जाती थी कि उन्होंने इश्ताल के आलम में एक इकदाम किया है और वो इंतहाई सजा के मुस्तहिक नहीं थे, ये दलील दी जाती है जिसका एक अपना वजन है। तो फिर ये जो तौहीन रिसालत बराह रास्त करने वाले लोग जो हैं उनको कैसे माफ किया जा सकता है? तो ये हुकूमत ने यकीन दिला दिया कि उनको भी कानून के मुताबिक सजा दी जाएगी जो भी कानून कहेगा। इसी तरीके से जो उलमा कराम पर जो दर्ज मुकदमात हुए हैं उनकी वापसी का जायजा लिया जाएगा, यानी ये नहीं कहा गया कि वापसी फौरी तौर पर हो जाएगी। अब जिन हजरात ने इश्ताल अंगेज तकरीरें की हैं या लोगों को उकसाया है कि वो कानून को हाथ में लें या तशद्दुद पर उतर आए, उनकी बात अलग है, मगर बहसियत मजमूई जो अमूमी तौर पर जो उलमा कराम है उनके साथ एक नरम बर्ताव किया जाना चाहिए और उनके जो शेड्यूल का भी जिक्र किया गया ना, वापस ले लिए जाएंगे। शामजद, फोर्थ शेड्यूल का भी जिक्र किया गया ना कि जो मोस्ट वांटेड फोर्थ शेड्यूल में जो लोग हैं उसके हवाले से भी हुकूमत रिव्यू करेगी कि उनका नाम उसमें से निकाला जाए। हाँ, अब फोर्थ देखिए जो उलमा जो है फोर्थ शेड्यूल में, यानी जो जेरे निगरानी है, जो गैर जिम्मेदार समझे जाते हैं, जिनकी जुबान उनके काबू में नहीं रहती, ये कहीं एक ऐसे उलमा है जिनको निगरानी जिनकी की जा रही है, ये शब्द तो भी जायजा लिया जाएगा। फोर्थ शेड्यूल को हमने देखा है उसमें ये कहा जा रहा है इम्तनाई नजरबंदी जिनकी हुई है, इम्तनाई नजरबंदी नहीं, इम्तनाई नजरबंदी के इम्तनाई नजरबंदी एक और चीज है और उनको रोकना किसी काम से एक और चीज। वो इम्तनाई नजरबंदी तो ये है ना कि जो लोग गिरफ्तार हो जाए, वो जो गिरफ्तार नहीं हुए लेकिन इसके बावजूद वो निगरानी में है और वो गैर मोहतात समझे जाते हैं, उनके मामलात का भी जायजा लिया जाएगा। और जो लोग एहतियात का मुजाहरा कर रहे हैं या जिन लोगों के नाम गलत फहमी की वजह से फहरिस्त में शामिल हो गए हैं उनके नाम निकाल दिए जाएंगे। जी, मैं चाह रहा था आप दीगर निकात की जानब जाने से पहले क्या हम वहां से अपडेट्स ना ले लें, क्योंकि हमें सैयद अब्बासी हमारे साथ मौजूद है, फिर जो पहले सुन लें। जी फरमाइए। आखिरी देखिए एक आखिरी नुक्ता है, ये आखिरी नुक्ता है और वो ये है कि मीडिया पे जो फोहश प्रोग्राम हो रहे हैं और जिसपे उलमा को और हमारे मजहबी हलकों को और हमारे संजीदा हलकों को बड़ी शदीद तशवीश है कि मीडिया के बाज़ अनासर जो है ऐसे प्रोग्राम करते हैं जिसे फहाशी और उरियानी का इर्तकाब किया जाता है, रिश्तों की पाबाली होती है या इस तरह के उसमें जराइम की हौसला अफजाई होती है हौसला चिकनी की बजाय, तो उन्होंने कहा उस पर उलमा जो थे उनको बड़ी तशवीश है, बड़ा इस्तराब है और इसके बड़े नकाद हैं। तो ये कहा गया है कि जिन प्रोग्रामों के बारे में ये शिकायत है वो उलमा कराम सबूत के साथ पैमरा की तरफ रजू करेंगे और कानून के मुताबिक कार्रवाई उनके खिलाफ होगी। और शामिल और फिर आपने कहा है कि निजाम मुस्तफा के हवाले से, जी नहीं जी, एक बात और सुन लीजिए, वो भी निजाम मुस्तफा के हवाले से यानी इस्लामी शरीयत के हवाले से, उसके जो निफाज के मामले में सिफारिशात जो है मुरतब करके वजारत मजहबी अमूर को पेश की जाएंगी उलमा की तरफ से। ये भी एक मुस्बत बात है कि जो भी अच्छा काम जो है किया जा सके और जो चीजें नाफिज की जा सके उनको नाफिज होना चाहिए। ठीक है, ठीक है शाम से ब्रेक का वक्त भी आन पहुंचा है, मौजूद निसार से प्रेस कॉन्फ्रेंस भी तकरीबन तैयारी के करीब है। मैं जाते जाते आपसे एक सवाल पूछना चाह रहा था, ये जो छठा नुकता था मीडिया के हवाले से कि वो फहाशी और वल्गर प्रोग्राम्स जो है वो नशर नहीं करेगा, तो शाम साहब फिर उन हजरात के बारे में क्या ख्याल है जो उलमाए दीन है बज़ाहिर जिन्होंने धरने के दौरान ऐसी ऐसी जुबान इस्तेमाल की, ऐसी ऐसी कलमात अपनी जुबान से अदा किए, ऐसी ऐसी उन्होंने गालियां वहां पर इरशाद फरमाई कि जिनका जिक्र करना मेरे लिए मुनासिब नहीं है, उन पर ये शेक इम्प्लीमेंट नहीं होती, उन पर नहीं इसका अमल दरामद हो सकता? देखिए बात यह है कि जो उलमाए कराम है उनसे तो इस तरह की तवक्को नहीं रखी जा सकती, लेकिन आप ये देख लीजिए हर शख्स जो दाढ़ी रख ले या उसकी तोंद थोड़ी सी बड़ी हो जाए उसको आप आलम दीन नहीं कह सकते। तो जिन लोगों ने गैर मोहताज तकरीरें की हैं, फोहश तकरीरें की हैं या लोगों को मुश्तइल किया है, जाहिर है कि उनके मामलात भी पैमरा के सुपुर्द होने चाहिए और कानून के हवाले होने चाहिए। और मेरा ख्याल जो हमारे संजीदा उलमा हैं जो रहनमा थे इस धरने के, उनको भी इस पर कोई एतराज नहीं होगा, क्योंकि अगर गैर जिम्मेदार अनासर हैं, गालियां देने वाले हैं, तो वह सिर्फ यानी इसलिए उनको बख्शा नहीं जा सकता कि वो उलमा के इज्तमा में मौजूद थे। ये तो बात अपनी जगह, वो भी कानून के नजदीक पैमरा को क्यों इसमें रुजू किया जाए, इसमें हेट स्पीच के मामले को क्यों ना उजागर किया जाए?
देखिए आप ओलमा के बारे में जरा मोहताक रहा करें, आप क्यों उनके पीछे पड़ना चाहते हैं? कोई आपको बहुत ज्यादा मेरा ख्याल है सारा आंखों पर एग्रेसिव हो जाते हैं सारा आंखों पर, लेकिन मैं तो सिर्फ ये गुजारिश की कि वो जो कुछ ऐसे अलकाबात ऐसे जुमले अदा किए, आपकी बात जो है आपने अपनी बात कर ली है, वो एक ब्रेक ले ली है, एक ब्रेक ले लेते हैं, गुफ्तगू कर ली है, ठीक है, समेट दीजिए, ठीक है, ब्रेक ले रहे हैं, इसीलिए हम वापस आते हैं तो फिर वहां का ताजा तरीन जो मंजरनामा है सांबा रेड जोन का वो भी आपकी खिदमत में पेश करेंगे और मजीद तबसरा भी इस मामले पे आपकी खिदमत में पेश किया जाएगा। वेलकम नाजिन, पहले हिस्से में शामी साहब ने ब्रीफली जरा उन सात निकात का अहाता किया, उसकी तफसीलात में भी हम जाएंगे, लेकिन आमिर सईद अब्बासी ने हमें ज्वाइन किया है, डी चौक रेड जोन में मौजूद हैं, उनसे भी शामी साहब ताजा सूरत हाल जान लेते हैं, क्योंकि अभी जो धरने के कायदीन हैं वो भी वहां मीडिया से गुफ्तगू कर रहे हैं। आमिर सईद अब्बासी बताइएगा अब तक की क्या अपडेट्स हैं, क्या मूड लग रहा है अब धरने के कायदीन का, क्या ऐलानात किए जा रहे हैं वहां पर? देखिए अभी तो इस वक्त जो सूरत हाल है अभी भी कायदीन जो है वो खिताबात कर रहे हैं, और क्योंकि तवील कतार थी तमाम उलमा इकराम की जो बात करना चाह रहे थे, और इस हवाले से उन्होंने कामयाबी को जो है वो अपने क्रेडिट के हवाले से बताया, और तमाम जो मुजाहिरीन थे उनको बताया कि कैसे उन्होंने ये कामयाबी हासिल की और कैसे उनके फ्यूचर के क्या प्लान्स हैं। अभी यहाँ पर जो डी चौक है यहाँ पर अभी भी जो सूरत हाल है तमाम लोग मौजूद हैं, जिसमें पुलिस अहलकार वो भी अब जाने की तैयारियां कर रहे हैं, अपना सामान समेट रहे हैं, जबकि जो धरने के शुरका हैं वो भी खिताब सुन रहे हैं उलमाए कराम का, और क्योंकि काफी देर से उलमाए कराम जो है वो मगरिब से पहले से ही उलमाए कराम यहाँ पर खिताबात कर रहे थे और बता रहे थे कि कैसे कैसे और कौन कौन से सात मुतालबात माने गए हैं हुकूमत की जानिब से। और जी आमिर शामी साहब आपसे मुखातिब है कराची, बात तो अब हो गई ना, अब जाहिर है कि उलमाए कराम जो है वो अपनी तकरीरें करेंगे, अपने नुकता नजर वाजे करेंगे, आखिर इन लोगों को वो यहां लाए थे और ये तीन चार दिन से बेचारे यहां बैठे हुए हैं, और बहुत से लोग तो ऐसे थे जो घर से किसी किस्म की तैयारी के बगैर आ गए, उनके पास कपड़े नहीं थे, उनके पास तो मुंह धोने का सामान नहीं था, कोई तौलिया नहीं था, कोई बिस्तर नहीं था, वो तो हुब्बे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जज्बे के तहत आकर यहां धरना मारकर बैठ गए। अब उलमा जो है वो उनको बताएंगे कि उन्होंने क्या हासिल किया है, और हासिल जो उन्होंने किया वो हम सबके सामने है। उन्होंने कहा है कि तौहीन रसालत का जो कानून है जो मुजरमों को सजा देता है इस हवाले से उसमें कोई तब्दीली नहीं होगी, तो हुकूमत का कहना तो यह है कि इसमें कोई तब्दीली जेर गौर ही नहीं थी, लेकिन बहरहाल अगर उलमा कराम इसको अपनी अपनी फतेह के तौर पर अपनी जीत के तौर पर पेश करना चाहते हैं तो इसमें कोई मजाका नहीं है, उन लोगों को मुतमईन करना भी उनका काम है। और यह भी हमें देखना चाहिए कि ये जो लोग हैं मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों से आए थे मुमताज कादरी साहब के चेहलम पर चेहलम में शरीक होने के लिए, और इन्होंने एक अच्छे जज्बे के तहत यहां धरना दिया है, और इनकी इस कदर अफजाई होनी चाहिए इनके जज्बे की, और उलमा को भी चाहिए और हमारे अहले दानिश को भी चाहिए, खुद हुकूमत को भी चाहिए कि जो जज्बा है मुसलमानों के अंदर हुब्बे रसूल का उसको मुस्बत तरीके से इस्तेमाल करें सोसाइटी में तब्दीली लाने के लिए, समाजी बुराइयों को खत्म करने के लिए और माशरे में एक अमनो अमान कायम करने के लिए। तो ये एक बड़ी अच्छी बात है, ये जज्बा बहुत अच्छा था, लेकिन ये धरना जो था इसकी कोई इस वक्त खास जरूरत नहीं थी, जज्बात का आजाद तो हो सकता है लेकिन धरना तो देना चाहिए था उस वक्त जब मुमताज कादरी साहब के लिए सजा जो है उसका ऐलान हुआ या सदर के पास उनकी अपील गई रहम की, उस वक्त हमारे इन हजरात को हरकत में आना चाहिए था और मुतालबा करना चाहिए था हुकूमत से कि उनको एक लेसर पनिशमेंट दी जाए, अगर देनी भी है तो उनको उम्र कैद की सजा दे दी जाए, मौत की सजा तब्दील कर दी जाए, ऐसा मुमकिन हो सकता था। अब भी कई कानूनी माहिरीन का यह ख्याल है कि जिस हालत में और जिस इश्ताल में मुमताज कादरी ने और जो समझ कर उन्होंने हमला किया सलमान तासीर पर और ये वारदात का इर्तकाब किया उसकी वजह से उनके साथ एक लेसर पनिशमेंट उनको देनी चाहिए थी, वो मौत की सजा की बजाय उम्र कैद के या शामसब ये जो मुस्तहिक हो सकते थे। शामसब जिस जो हालात अब पहुंचे कि धरना करना पड़ गया चार रोज तक यहां पर, इन हालात को बचाया जा सकता था, इनको अवॉइड किया जा सकता था? देखिए जब मुमताज कादरी जो है उनको अभी वो जिंदा थे और जेल खाने में थे उस वक्त एहतजाज इस शिद्दत के साथ होना चाहिए था ना, फिर उनकी जान बचाई जा सकती थी, या सलमान तासीर के जो
पसमानदगान थे उनसे रابطہ करके उनको उनसे बात की जा सकती थी। तो लेकिन जब उनको वो दुनिया से रुखसत हो गए तो फिर उसके बाद ये जज्बात का आधार तो हो सकता है, लेकिन इसे बादसबर्ग वाबेला कहेंगे और क्या कहेंगे। और फिर देखिए जिस तरह चेहलम में लोग इकट्ठे हुए और इंतजामिया का कुछ न कुछ फेलोर तो है, और वजीर आजम हाउस से जो उनके तर्जमान ने ये बात बताई है कि इसका जायजा लिया जाएगा, जो लोग इसमें गफलत के मुर्तकिब होंगे वो सजा के मुस्तहिक होंगे, क्योंकि सरकारी अफसर जो हैं उन्होंने कैसे ये बावर कर लिया कि इतना बड़ा इज्तम जो है जब उसमें से लोग आगे बढ़ेंगे और इस्लामाबाद की तरफ मार्च करेंगे तो फिर अमन व अमान कायम रहेगा, तो फिर अमलाक को भी नुकसान पहुंचा है और एक नागवार सूरत हाल पैदा हुई है, और धरने ने पाकिस्तान को फिर एक मुश्किल सूरत हाल से दो चार किया है। तो ये जो इंतजामी कमजोरी तो हुई है, लेकिन लेकिन बहरहाल इसका सद्यबात किया जा सकता था, पेशबंदी की जा सकती थी और एक काम हमारे इंतजामिया को करना चाहिए था। श्याम साहब एक और अहम नुकता इसी एजेंडे का साथ निकाती का आपने जिक्र भी किया उसका मुख्तसर, रिवर्सल ऑफ केसेस अगेंस्ट कैरेक्स विल बी कंसिडर्ड एंड एग्जामिन्ड, ये क्या मतलब है, किस हद तक मुमकिन हो पाएगा गवर्नमेंट के लिए, इस पर मैं आपका तबसरा जानूंगा, लेकिन एक ब्रेक लेते हैं प्रोग्राम में। वेलकम बैक नाजिन। शाम से ब्रेक से पहले मैंने एक नुक्ता यहां पर बयान किया था कि रिवर्सल ऑफ केसेस अगेंस्ट क्लेरिक्स विल बी कंसीडर्ड एंड एग्जामिन्ड, ये मुमकिन हो पाएगा? देखिए मुमकिन हो पाएगा क्योंकि वीडियोस बनी हुई हैं, और जो लोग हमला आवर थे, जो मुश्तिल थे, जो अमलाक को नुकसान पहुंचा रहे थे और जो लोग उनको इश्ताल दिला रहे थे उनकी सबकी फिल्में मौजूद हैं, उनकी निशानदेही की जा सकती है। और जिन हजरात ने लोगों को पुरअमन रहने की तलकीन की है या पुरअमन रखने की कोशिश की है या उनको सिर्फ अपने जज्बात के अजहार के लिए या एहतजाज के तरीके जो है के तौर पर यहां इकट्ठा किया था उनका मामला बिल्कुल अलग है, लेकिन जिन्होंने गालम गलोच की है, जिन्होंने उनको उकसाया है, उनके जज्बात को भड़काया है, उनका मामला अलग है। और जाहिर है कि जो उलमा कराम है मुस्तनद उनमें तो इस तरह के लोग नहीं हो सकते, कोई एक दो हो सकते हैं अगर ज्यादा से ज्यादा होंगे, बाकी तो यही है कि जिनको हम मौलवी समझते हैं या आलिम समझते हैं सिर्फ उनकी रीश मुबारक को देखकर, और दरअसल वो आलिम नहीं होते, वो मौलवी नहीं होते, तो ये एक तमीज तो रखनी पड़ेगी ना इनके दरमियान। बिल्कुल। अच्छा जी, हमें श्याम साहब मुर्तजा सोलंकी साहब ने इस्लामाबाद से ज्वाइन किया है, सीनियर तजियाकार है, और इस धरने पर खासी नजर रखी उन्होंने, स्पेशली मुजाकराती अमल पर उनकी काफी तजवीज जो है सामने आती रही, जो निसार साहब के हवाले से भी तबसरा करते रहे, टेलीफोन लाइन पर मौजूद है, उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सोलंकी साहब। सोलंकी साहब शामी साहब कराची बैठते हैं इस वक्त, तो आप बताइए कि ये सोलंकी साहब ये बताइए जो है इसके द्वारा जो मुजाकरात किस तरह आगे बढ़े हैं और फिर किस तरह कामयाब हुए हैं और किसने क्या क्या किरदार अदा किया, कोई कहानी चलाए अंदर की। अच्छा ये श्याम साहब असल में वहां पर धरने की जगह पर सिग्नल्स का काफी इशू है, तो मेरे ख्याल उनकी लाइन ड्रॉप हो गई, दोबारा उन्हें हम कनेक्ट करते हैं, उनसे जानते हैं कि अंदर की कहानी क्या है, मुजाकरात का किरदार किसने अदा किया इसमें कामयाब बनाने के लिए। अंदर की कहानी आपने सोलंकी साहब मुझे सुन पा रहे हैं आप? अभी सुन रहा हूं। हाँ जी श्यामी साहब, ये जानना चाह रहे थे हम इस प्रोग्राम में कि मुजाकरात के अंदर की कहानी क्या है, कितने राउंड्स हुए, किसने मुजाकरात कामयाब बनाने के लिए क्या किरदार अदा किया, और अंदर की कहानी श्यामी साहब जानना चाह रहे हैं आपसे। देखिए जो मेरी मालूमात है वो ये है कि कई दौर हुए, उसमें ख्वाजा साद रफीक और बाद में इसहाक डार साहब ने एक अहम किरदार अदा किया, और चौधरी निसार साहब ने रात जो प्रेस कॉन्फ्रेंस में ऐलान किया था कि हुकूमत कोई मुजाकरात नहीं करेगी, तो बिल्कुल उसके उलट, और सिर्फ उन्होंने कहा था कि सिर्फ इनको सेफ मैसेज देंगे, तो पूरी एक लॉन्ड्री लिस्ट जो है उस पर क्योंकि उन्होंने घुटने टेक दिए लिहाजा मुआहदा हो गया। ठीक है, ये मेरा ख्याल अगर आप मुआहदे के नुकात पढ़ें तो उसमें कोई ऐसे घुटने टेके हुए नजर नहीं आते, वो नुकात में तो हुकूमत का जो मौकफ है वो एक अपनी जगह मौजूद है, और जाहिर है कि जो मुजाहिरीन हैं या धरना देने वाले हैं उनकी भी कुछ ना कुछ तो फेस सेविंग होनी चाहिए थी, वो भी मौजूद है, तो हम घुटने टेकना नहीं कह सकते।
शामी साहब आप मुझे ये बताइए कि पाकिस्तान के अंदर कानून बनाने और तब्दील करने का अख्तियार किसके पास है? एक ही इदारा है, देखिए वो तो पार्लियामेंट के पास होना चाहिए। तो हुकूमत ने किस तरह से ये वादा कर लिया कि हम फला कानून में तब्दीली करेंगे नहीं करेंगे? ये पार्लियामेंट का इस्तेहकाक जरूर क्या है? इनको कोई हक नहीं है कि पार्लियामेंट हम आपसे बात असल में करना ये चाह रहे थे कि मुजाकरात की कहानी जो है वो कैसे सिरे चढ़ी और कैसे उसमें किस शख्सियत ने क्या किरदार अदा किया। असल में जामी साहब जो सोलंकी साहब जो बात कह रहे हैं कि देखिए पार्लियामेंट जो है वो क्या चीज है, पार्लियामेंट की नुमाइंदगी ही तो हुकूमत कर रही है। ये जो इंतजामिया तखलीक होती है या वजूद में आती है ये पार्लियामेंट के जरिए वजूद में आती है। जो मौजूदा हुकूमत है उसकी अक्सरियत है पार्लियामेंट में और जो चाहे वो कानून वहां से मंजूर करा सकती है। तो जब हुकूमत कानून साजी की बात करती है तो पार्लियामेंट के बिहाफ पे बात कर रही होती है और हुकूमत के पास या कैबिनेट के पास या वजीर आजम के पास एक तरह का मुख्तारनामा होता है पार्लियामेंट का। जो पार्लियामानी निजाम है उसकी स्पिरिट ये है कि उसमें पार्टीज होती हैं और पार्टीज फैसला करती हैं। कोई पार्लियामेंट कोई हुकूमत से मुख्तलिफ चीज नहीं होती या कोई पार्लियामेंट जो है वो हुकूमत के मुकाबिल नहीं होती। तो इसलिए बहरहाल ये तो एक लंबी बहस है, इसको छोड़िए। अच्छा तो ये मामला ये बताइए कि जिस तरह से शामी साहब जिस तरह से यानी कहा गया, खबरें आई कि जनाब शायद ऑपरेशन की तैयारियां, एफसी की प्लाटून पहुंच गई हैं, पंजाब कांस्टेबल है, रेंजर्स को भी बुला लिया गया है, क्या ये सबसे महज प्रेशर बिल्डिंग टैक्टिक्स थे? देखिए मुझे ये जमी साहब देखिए ये हुकूमत जो है उसको हिकमत भी तो कोई चीज है ना जी, उसको हिकमत से काम लेना है, दबाव भी बढ़ाना है, मकसद भी हासिल करना है, खून खराबे से भी बचना है। तो मैं समझता हूं कि ये खून खराबे से बचना ये एक सबसे अहम बात है। यानी अगर खुदा ना खास्ता कोई तसादम हो जाता, कोई झगड़ा हो जाता, कोई दो चार लाशें गिर जाती तो फिर आप देखिए उसके बाद सूरत हाल कितनी खराब हो सकती थी। तो हम लोग जो हैं एक वक्त में तो एक बात कहते रहते हैं, जब एक नई सिचुएशन पैदा होती है तो हमें अपना कहा हुआ जो है वो उतना याद नहीं रहता। तो बुनियादी बात यह है कि हुकूमत पर लाजिम है कि वो अमनो अमान भी कायम रखे और जज्बात को भी काबू में रखे और कानून जो है उसको भी किसी को हाथ में न लेने दे। ये सारे काम जो हैं बड़ी दानाई का मुजाहरा करने का नाम है, हिकमत का नाम है, हुकूमत महज डंडा चलाने का नाम नहीं है। डंडा चलाने से अगर मसाइल हल हो सकते तो फिर आज इस मुल्क में अभी तक फील्ड मार्शल अयूब खान की हुकूमत होती या फिर जुल्फिकार अली भुट्टो साहब की हुकूमत होती, और अगर उनकी नहीं तो कम अज कम परवेज मुशर्रफ की तो जरूर होती। अच्छा, डंडे से मसले हल नहीं होते। डंडा जितना भी ताकतवर क्यों ना नजर आए वो बड़ा कमजोर होता है और मसाइल को बगाड़ता है, मसाइल को हल नहीं करता। तो जो हुकूमतें डंडे से गुरेज करती हैं, लाठी और गोली से गुरेज करती हैं, वो ज्यादा दानिशमंदी का मजारा करती हैं और इस लिहाज से उसकी ताईद की जानी चाहिए और उसकी तौसीफ भी की जानी चाहिए। शाम साहब ये जो फिर शिकवा आ रहा है कि जनाब चार रोज हो गए निजामे जिंदगी धर्म भरम होकर रह गया, सेलुलर नेटवर्क भी वहां पर डिस्टर्ब्ड हैं, मामूलत जिंदगी भी खराब हैं, तो हुकूमत की कोशिशें जो है बड़ी स्लो थी या उस तरह से नहीं थी, उस तरह से नीयत नहीं थी, ये तनकीद की जा रही है इस मामले पर कि बहुत स्लोली गवर्नमेंट ने रिस्पॉन्ड किया, ये ठीक है? देखिए ये तो तनकीद तो होती रहेगी, ऑल इज वेल दैट एंड्स वेल। जब धरना खत्म हो गया, खून खराबे के बगैर खत्म हो गया, तो एक बड़ी कामयाबी हो गई। अब देखिए इंसानी जिंदगी ऐसी है, नजरा भी होता है, जुकाम होता है, बुखार चढ़ता है, आप बीमार भी होते हैं, माशाल्लाह आपका दिल भी फड़फड़ाता है, इधर उधर भी तांक जांक भी करता है, कई चीजें होती हैं। तो ये इंसानी जिंदगी का हिस्सा है। इंसानी जिंदगी एक तो दरिया की तरह नहीं रवा होती या एक 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 खास समत में खास रफ्तार से और खास तरीके से बढ़ती नहीं रहती या घटती नहीं रहती। तो ये एक हमें सारे मामलात को देखना चाहिए। ये दुरुस्त बात है, लोगों को आइंदा से रोकने की कोशिश करनी चाहिए, मौसर इंतजाम करना चाहिए, बल्कि खुद हमारी सारी सियासी जमातें उनको इस बात पर इत्तफाक करना चाहिए कि हमारा जो दारुल हुकूमत है उसको कोई जरगमाल ना बना सके। लेकिन बदकिस्मती से आपको मालूम है कि हमारी जनाब हमारे सियासी रहनुमाओं ने यह रास्ता दिखाया लोगों को और जब धरना यहां दिया गया और फिर एक मजहबी जमात की तरफ से भी धरना दिया गया तो फिर क्या सूरत हाल पैदा हुई? हम लोग तो उस वक्त भी ये बात कह रहे थे और बड़ी शिद्दत से कह रहे थे भाई ये इस तरह की मिसालें कायम ना कीजिए, इस तरह के धरने ना दीजिए,
इससे बड़ी सूरतेहाल खराब होगी और मुमलकत का कारोबार जो है बिगड़ेगा। तो ये सूरतेहाल जो है, जब ये लोग बड़े लोग मसाले कायम करते हैं तो फिर छोटे लोग उसको फॉलो भी करते हैं, ये भी हमें मद्देनजर रखना होगा। ठीक है श्याम साहब, मुझे आपको रोकना पड़ेगा यहां पर क्योंकि इस वक्त विफाकी वजीर दाखिला चौधरी निसार अली खान मीडिया से गुफ्तगू कर रहे हैं इस्लामाबाद में। माजत खां हूं, आज क्योंकि मुतवक्को थी एक और मीडिया टॉक।